दोस्तों आईपीएल 2023 में केकेआर टीम का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा। 14 मैचों में सिर्फ 6 मैच जीत पाई है, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत ही खराब सीजन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जेसन रॉय, रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स ने फैन का दिल जीत लिया है। साथ ही साथ 2 से 3 बड़े रिकॉर्ड भी टूटा है। तो 2024 में एक बढ़िया वापसी करने के लिए केकेआर को चाहिए अपना कप्तान श्रेयस अय्यर, साथ ही साथ कुछ नए प्लेयर्स। तो इस साल केकेआर टीम के ज्यादातर महंगा प्लेयर्स फ्लॉप जा चुके हैं, जिनके लिए केकेआर को सिर्फ 8 करोड़ रुपए पर्स बैलेंस के साथ ऑक्शन में जाना पड़ा था, सारे फ्लॉप जा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं 5 ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको इस साल केकेआर को रिलीज कर देना चाहिए, ताकि कम से कम 30 करोड़ रुपए पर्स बैलेंस के साथ 2024 के ऑक्शन में जा पाए। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है लॉकी फर्गुसन का। 10 करोड़ में केकेआर गुजरात टीम से ट्रेड के जरिए लॉकी को टीम में दोबारा खरीद ली थी, लेकिन 10 करोड़ में जहां ऑक्शन में केकेआर को 3 बढ़िया प्लेयर्स मिल जाता, केकेआर ने इस प्लेयर के पीछे पूरा पैसा नष्ट कर दिया। लॉकी फर्गुसन इस साल इतना घटिया फॉर्म में थे कि सिर्फ 3 मैच में खेला गया था, 1 विकेट ले पाया है, 12 के आसपास उनका इकोनॉमी रहा है। तो लॉकी फर्गुसन को इस साल बिना सोचे रिलीज कर देना चाहिए, ताकि 10 करोड़ पर्स बैलेंस बचे। नेक्स्ट जो प्लेयर है वो है दोस्तों शार्दुल ठाकुर। तो शार्दुल को केकेआर ने 10 करोड़ में दिल्ली से ट्रेड किया था। शार्दुल का परफॉर्मेंस इस साल एवरेज रहा है, बहुत ही खराब कहा नहीं जा सकता, लेकिन 10 करोड़ जैसा तो बिल्कुल नहीं है। शार्दुल एक अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, टीम में जरूर रहना चाहिए, लेकिन केकेआर चाहे तो उनको रिलीज करके दोबारा टारगेट कर सकती है ऑक्शन में, ताकि 5 से 6 करोड़ में आराम से मिल जाए। 6 करोड़ तक शार्दुल ठाकुर के लिए बढ़िया कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो प्लेयर है वो है डेविड वीजा। तो वीजा को आंद्रे रसेल का बैकअप के लिए खरीदा गया था, लेकिन पता नहीं 38 साल का एक खिलाड़ी कैसे बैकअप प्लेयर बनेगा केकेआर मैनेजमेंट ही जाने। फिर भी दोस्तों डेविड वीजा का फिनिशिंग 2 मैचों में काफी बढ़िया रहा है, सीएसके टीम के खिलाफ मैच में जम के पिटाई हुआ था वो अलग बात है। तो वीजा को वैसे भी रिलीज करना ही पड़ेगा और 1 करोड़ रुपए पर्स बैलेंस बचेगा। उसके बाद चौथा प्लेयर है दोस्तों उमेश यादव के लिए बहुत ही खराब सीजन रहा है इस साल। जो प्लेयर 2024 में 16 विकेट लिए थे, इस साल 8 मैचों में सिर्फ 1 विकेट ले पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 विकेट और वो भी 190 रन देने के बाद। तो जब केकेआर को पता चल चुका है टीम में हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा जैसे प्लेयर्स हैं, उमेश यादव को रिलीज कर देना चाहिए, ताकि 2 करोड़ रुपए बचे। और आखिरी दोस्तों 2 प्लेयर है जिनका पर्स बैलेंस मिला के बनेगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जो कि है मनदीप सिंह और नारायण जगदीशन। तो दोनों को काफी उम्मीद के साथ केकेआर ने टीम में जगह दी थी, लेकिन इन दोनों ने इस साल फैंस को निराश की है। तो केकेआर 2024 से पहले इन दोनों को रिलीज कर देगी और एक बढ़िया भारतीय विकेट कीपर कम बल्लेबाज के पीछे जाएगी। तो दोस्तों इन प्लेयर्स को छोड़ने के बाद केकेआर के पास लगभग 25 करोड़ रुपए आ जाएगा और बढ़िया पर्स बैलेंस के साथ ऑक्शन में जा पाएगी। तो इसके बारे में दोस्तों आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।